नमस्कार, बड़ा भारी सवाल है। एक्चुअली वही उम्र थी जब कोई भी स्टूडेंट या 11th 12th के क्लास में जब भी कोई स्टूडेंट करियर का चुनाव करता है। मेरे जीवन में भी वही फेज था जब मैं 10th पास करने के बाद ये डिसाइड करना था ज़िंदगी में कि करना क्या है। तो जैसा कि अक्सर एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है, मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और बुनियादी स्कूली शिक्षा मेरी कश्मीर में हुई है। तो कश्मीर के मिडिल क्लास फैमिली के साथ दिक्कत बोलो या अच्छाई बुराई जो भी है, वो ये है कि केवल स्टडीज़, और उस वक्त तो आज से 30 साल पहले सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिसिन, यही दो चुनाव हर स्टूडेंट के साथ था। जाने क्यों, मुझे इन दोनों ही फील्ड से परहेज़ था, जबकि मैं अपने क्लास में वन ऑफ द बेस्ट 5 में आता ही था, 75% स्कोर 10th में किया ही था। ये नहीं करना है ये तय हो गया था, तो अब करना क्या है ये डिसाइड नहीं था। लेकिन जैसे ही 11th में मैं आया, मेरे पास घर से मुझे 10th पास करने की खुशी में साइकिल मिली, तो उस साइकिल ने मुझे एक आज़ादी दी। आज़ादी ये हुई कि मैंने फिल्में देखना शुरू किया। पहले मैं फिल्में नहीं देखता था, मेरे पास 10th तक मेरा कोई फिल्म देखने का कोई बैकग्राउंड ही नहीं था। तो उस वक्त जितने भी अच्छे स्टार्स या हीरोज़ थे, जिसमें मिस्टर अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, संजीव कुमार, इनकी फिल्में देख के हमें अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे कुछ कुछ बात घर करने लगी कि ऐसा कुछ किया जा सकता है, हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो बीज वहाँ से पड़ा, और फिर थोड़ा सा जब इसमें रिसर्च जैसा किया, चूँकि हम एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग लोग जो होते हैं वो हर चीज़ में पहले रिसर्च करते हैं कि क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे जाएं। तो अपने सीनियर से जब बातचीत की तो ये समझ में आया कि थिएटर करना चाहिए अगर एक्टिंग सीखना है और बम्बई जाना है, फिल्मों में काम करना है, करियर बनाना है, तो पहले बुनियाद को मजबूत करना पड़ेगा और थिएटर करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो पहले मैंने कश्मीर में ही टटोला थिएटर, लेकिन वहाँ हिंदी थिएटर ज़्यादा नहीं होता था, कश्मीरी भाषा में थिएटर होता था, पर मेरी कश्मीरी भाषा अच्छी नहीं थी और अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि मैं हूँ एक कश्मीरी। तो ये तय हुआ कि दिल्ली में रंगमंच बड़ा सक्रिय है, दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, दिल्ली में बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स हैं, और अगर नाटक के ज़रिए अपने अभिनय कला को ठीक से सीखना है तो वहाँ जाके काम करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी रणनीति वैसे ही बनाई, प्लस टू किया, हालांकि मैंने साइंस में ही किया था, बट साइंस करने के बाद मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने रामजस कॉलेज में एडमिशन लिया, और कॉलेज के टाइम से मैंने थिएटर में काम करना शुरू किया। पहले कॉलेज ड्रामेटिक सोसाइटी में, फिर ये मालूम चला कि मंडी हाउस में बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी है, तो धीरे धीरे लोगों से संपर्क करता गया, अपनी इच्छा जाहिर करता गया, तो यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। तो ये मैं, तब मेरी उम्र 18 बरस की थी, उस वक्त मैंने थिएटर शुरू किया, और आने वाले उसके बाद करीब 4-5 साल में लगातार थिएटर में ही काम करता रहा, और ये कह सकते हैं कि एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि दिल्ली में थिएटर की बुनियाद उस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और जो भी नया आदमी आता था सीखने वाला, उसको थिएटर वर्ल्ड की एक अच्छी खासी जानकारी, थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों हो जाती थी। तो हमें इंडियन थिएटर, वेस्टर्न थिएटर, ब्रेथ का थिएटर, ग्रीक ड्रामा, मॉडर्न ड्रामा, ये सब न सिर्फ पढ़ने को मिला बल्कि उस पर काम करने को भी मिला। बाय द टाइम मैंने थिएटर करना छोड़ा, मैं करीब 30 नाटकों में काम कर चुका था, और उसी वक्त दूरदर्शन में प्रायोजित कार्यक्रम शुरू होने लगे थे, जिसमें हम लोग जैसा सीरियल शुरू होने लगा था, और प्राइवेट प्रोड्यूसर्स दूरदर्शन के लिए सीरियल बनाना शुरू कर रहे थे। तो वही टाइम था जब मैं थिएटर धीरे धीरे छोड़ के टेलीविज़न की तरफ मैंने रुख किया, ऑडिशन देना और काम के लिए लोगों से मिलना, ये सब काम शुरू हुआ। ये मैं बात बता रहा हूँ 1988 के आसपास की। तो 88, 89, 90, 91, 92 मैं दिल्ली टेलीविज़न से जुड़ा, और 92 के बाद बॉम्बे शिफ्ट हुआ, और बॉम्बे टेलीविज़न से जुड़ा और साथ ही साथ फिल्मों से जुड़ा। ये एक ब्रीफ स्टोरी है मेरी जर्नी की। हाँ, अप्रोच किया गया था एक्चुअली, तब तक ये बात है 97, 98 की, मैं बॉम्बे में 92 से आया हूँ, और
जब यहाँ आया तभी यहाँ सैटेलाइट टेलीविज़न शुरू हुआ, जिसमें जी टीवी, सोनी, स्टार प्लस और भी इस तरह के चैनल्स शुरू हुए थे। तो मैंने धीरे धीरे इन चैनल्स के प्रोग्राम्स में काम करना शुरू किया था। लेकिन DD1 के शोज़ भी बनते थे। एक शो मैं कर रहा था, विराट नाम का एक शो था, जिसमें मिस्टर मुकेश खन्ना काम कर रहे थे। तो वो और मैं विराट टेलीविज़न दूरदर्शन के लिए बन रहा था। तो मिस्टर मुकेश खन्ना और मैं उस सीरियल में काम कर रहे थे, डायरेक्टर कोई और थे। तो उस वक्त मुकेश खन्ना ने मुझे देख लिया था उस सीरियल में काम करते करते, उन्हें अच्छा लगा था। तो उन्होंने तभी मुझसे जिक्र किया कि मैं एक ऐसा सुपर हीरो शो बना रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि तुम उससे जुड़ जाओ। तो हालांकि डॉक्टर जयकौल का कैरेक्टर सिर्फ शुरू में 8 एपिसोड का कैरेक्टर था, ये इतना लंबा चलने वाला कैरेक्टर बनाया नहीं गया था, क्योंकि मेन विलन जो शक्तिमान के थे वो मिस्टर सुरेंद्र पाल प्ले कर रहे थे, किलवीश नाम से। तो बट पहले एपिसोड से ही, डॉक्टर जयकौल की एंट्री से ही, ऐसा सुना मैंने या ऐसा बताया गया कि शो की TRP बढ़ी और शो तेज़ी से बहुत अच्छा रिसीव हुआ चैनल में भी और लोगों द्वारा भी। तो फिर तब प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने तय किया कि इसी कैरेक्टर को एक लंबा कैरेक्टर बनाते हैं और विलेन के रूप में इसको रखते हैं। तो धीरे धीरे उस तरह से डॉक्टर जयकौल फिर आड़ी टेढ़ी इन्वेंशंस कर करके हर कुछ समय बाद कुछ कुछ खुराफातें करता रहा, और मुकेश खन्ना और अपने शक्तिमान की नाक में दम करता रहा। तो ये सिलसिला ऐसे शुरू हुआ था। हाँ, वो फिलॉसफी से संबंध मेरा कॉलेज टाइम से ही रहा है। मतलब अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, अगर मेरी रुचि और मेरा इंटरेस्ट और मेरा हॉबी या मेरा पैशन देखें तो वो अध्ययन ही रहा है, और अध्ययन में फिलॉसफी, लिटरेचर और फिर पर्टिकुलरली इंडियन फिलॉसफी और इंडियन स्पिरिचुअलिटी, जिसमें प्रैक्टिकली योग और तंत्र, ये 2 सब्जेक्ट्स आते हैं। और ये मेरा बड़ा मन से, मैं इससे जुड़ा हूँ बहुत समय से, और मैं विधिवत दीक्षित हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन में। मैंने योग और तंत्र की चीज़ों को जाना, समझा, प्रैक्टिस किया, और फिर एक जीवन के एक मोड़ में मैंने पाया कि अभिनय भी एक प्रकार का योग है। ये मुझे कुछ रहस्यमय अनुभूति हुई वाइल वर्किंग एज एन एक्टर। तो जैसे योग के जरिए हम, योग में बेसिक बातें क्या है कि हम पहले आसन सीखते हैं, प्राणायाम सीखते हैं, फिर प्रत्याहार और धारणा और ध्यान की विधि से हम मन को केंद्रित करना सीखते हैं। मन जो हजार दिशाओं में भाग रहा है उसको हम फोकस करना या कंसंट्रेट करना सीखते हैं, जिसको हम पहले धारणा कहते हैं, फिर और एडवांस स्टेज में वो ध्यान बनता है। तो ध्यान की ही फिर जो अंतिम परिणति है वो समाधि में हो जाती है, जिससे मनुष्य को एक ब्लिस की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति हो, जिसका मतलब आपका आत्मा से कनेक्शन हो गया। ये फंडामेंटल आइडिया है, फंडामेंटल थॉट है इंडियन फिलॉसफी का, और योग इसको प्रैक्टिकली लेके चलता है। मैंने योग की चीज़ों को समझते हुए, चूँकि ये सब मैं कर रहा था, मैंने पाया कि अभिनय का कार्य, अभिनय की जो प्रोसेस है, जब एक एक्टर किसी कैरेक्टर में काम करते करते अपने वॉइस को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, अपने बॉडी को लेकर जब काम करता है, तो ये भी एक योगिक क्रिया है, क्योंकि इसमें भी प्रत्याहार हो जाता है। आप सारी दुनिया से अपने मन को हटा देते हैं, आपकी 10ों इंद्रियां सब दुनियादारी से हट जाती है, और केवल उस कैरेक्टर में, उन लाइंस में, उन संवादों में उसका मन फोकस करना शुरू होता है। तो ये भी मन की एक धारणा की विधि है। आप देखें, कैमरा में जब शॉट दिया जाता है तब सबसे ज़्यादा फोकस्ड पर्सन एक्टर ही होता है, बाकी सब भी हैं, नो डाउट, कैमरामैन भी फोकस्ड काम कर रहा है, लेकिन एक्टर का क्या है, एक्टर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड इसलिए है क्योंकि वो सब कुछ इस्तेमाल कर रहा है। कैमरामैन का वॉइस यूज़ नहीं हो रहा है, कैमरामैन के इमोशंस यूज़ हो सकते हैं, डायरेक्टर का इमोशन यूज़ हो सकता है, लेकिन एक्टर का बॉडी भी, वॉइस भी, फीलिंग्स भी, और उसके अलावा अगर उसको इंटेलेक्चुअली समझना है रोल को, वो भी, तो एक ही समय में वो बहुत फोकस्ड हो सकता है, हो जाता है। तो इसीलिए अभिनय करते वक्त अच्छा लगता है, और जो रिजल्ट है उसका, जिसे शास्त्रों में रस कहा है, वो रस की अनुभूति हो जाती है। तो मैंने ये प्रयोग करना शुरू किया कि अगर हम एक नॉन एक्टर को भी थोड़ी सी एक्टिंग की ट्रेनिंग दें और एक खास तरीके से मोनोलॉग को बोला जाए और उससे वो रस क्रिएट करे, तो उसके जीवन में जो नेगेटिविटी है वो उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर सकता है। फंडामेंटल आइडिया ये है कि अगर कोई, नॉन एक्टर की बात कर रहा हूँ, वो अभी हेट से भर गया है,
उसके अंदर घृणा की भावना किसी वजह से बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, चाहे वो पिता माता के रिश्ते के साथ हो, चाहे बीवी बच्चों की वजह से हो, चाहे किसी दूसरे धर्म की वजह से हो, कोई भी वजह हो सकती है जिससे आप बहुत ज़्यादा हेटफुल हो जाएं। तो ये जो हेट का इमोशन है ये बड़ा डिस्ट्रक्टिव इमोशन है, आपको जीने नहीं देगा, आप सुबह शाम परेशान रहेंगे और बहुत लॉन्ग टर्म में ये किसी बीमारी को भी जन्म दे सकता है। तो अभिनय के कौशल से आप एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म में हेट के मोनोलॉग्स को एक्सप्रेस करके इमोशनली उसमें रस क्रिएट होना चाहिए, आप उसको अपने सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप एक ऐसे वर्कशॉप में काम करें जो मतलब मेरे बनाए गए मोनोलॉग्स हैं कि घृणा के मोनोलॉग्स को आप मन से बाहर परफॉर्म करो, उसको उस पर एक्ट करो, तो आधा हेट ऐसे निकल जाएगा। फिर उसी हेट के ऊपर थोड़ा सा प्रेम का एक लेप लगा लो शब्दों से ही, तो काम शब्द के जरिए करें, जैसे एक्टर्स करते हैं, हम जब कैमरे के सामने या स्टेज पे अभिनय करते हैं, प्रेम सच में नहीं है लेकिन प्रेम की बातें बोल के एक रस क्रिएट होता है ना, तो वही चीज़ नॉन एक्टर्स भी कर सकते हैं। तो इस थीम पे मैंने काम करना शुरू किया और एक सिस्टम को धीरे धीरे डेवलप करना शुरू किया जिसका नाम बन गया अभिनय योग। तो ये पुस्तक जिसका जिक्र आपने किया है वो मैं मनुष्य हूँ नाम से है, और उसमें यही अभिनय योग की जो फंडामेंटल आइडिया है उसको लिखा गया है, और वो बेसिकली मोनोलॉग्स और सीन्स के माध्यम से है। एक्टर भी सारी ज़िंदगी मोनोलॉग्स और सीन्स ही करता है, कैमरे के सामने करे या मंच पे करे, उसको हमेशा मोनोलॉग बोलना है या कोई सीन करना है पूरा पूरा। तो वही मैं मनुष्य हूँ पुस्तक में खास खास इमोशंस को लेके, खास खास रस को लेके मोनोलॉग्स हैं और सीन्स हैं जिसका फ़ायदा कोई भी व्यक्ति ले सकता है, ये इसके पीछे का पूरा विज्ञान है। सर आपने थिएटर, टेलीविजन, सिनेमा तीनों आयामों में काम किया हुआ, चौथे में भी किया है रेडियो, बहुत कम लोग जानते हैं, मैं दिल्ली में 9 साल रेडियो प्लेज में काम किया हूँ और 100-200 से ऊपर नाटकों में मैं हर 2 महीने में एक प्ले करता था। रेडियो भी एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग विधा है और उसका भी मेरे पास अच्छा खासा अनुभव रहा है, तो चारों विधा में काम किया हूँ। एक्चुअली मेरे जीवन में क्या हुआ ना कि हर चीज़ एक स्टेज के बाद आती गई। जब मैं थिएटर कर रहा था तो थिएटर में ही आनंद मिल रहा था और उस वक्त वो रिक्वायरमेंट भी वो थी, और चूँकि ट्रेनिंग भी हो रही है और आप करने का भी आप सुख ले रहे हैं, तो शुरू के 4-5 साल मैंने वही किया। लेकिन फिर जैसे कि है एक्टर का जीवन, थिएटर से पेट नहीं चल सकता, पेट नहीं भरा जा सकता, थिएटर में अगर आप सारी ज़िंदगी दे दें तो बहुत बेयरली आप सर्वाइव कर सकते हैं, जस्ट मैनेजेबल सर्वाइव कर सकते हैं। टेलीविज़न आया था, तो जैसे ही टेलीविज़न की ओर रुख किया तो टेलीविज़न में सीखना ज़रूरी था, तो वो सीखने की दृष्टि से टेलीविज़न भी अच्छा लगा, क्योंकि थिएटर में जैसे आदत थी हम लाइन बोलते थे तो लंबा लंबा हाथ करके बोलते थे, तो शुरू शुरू में टीवी के सामने ऐसे कैमरे में एक्ट कर रहे हैं तो हर लाइन में 2-2 हाथ उठ रहे हैं, ऐसे ऐसे हाथ उठ रहे हैं, तो फिर कैमरामैन हमसे कहता है कि देखिए ये क्लोजअप है, इसमें आपको हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिर्फ चेहरा आ रहा है, आप चेहरे से ही बात कर सकते हैं। तो ये जब टेक्निक सीख रहे थे कैमरे के सामने एक्ट करने की, तो इसलिए टेलीविज़न अच्छा लगने लगा, और उसी वक्त रेडियो भी जब कर रहे थे तो रेडियो अच्छा लग रहा था। अभी के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा सबसे सशक्त माध्यम है, सिर्फ ये है सिनेमा का कि सिनेमा की रीच ज़्यादा है अगर वो ठीक तरह से बने, और सिनेमा क्रिएटिवली सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। टेलीविज़न का प्रॉब्लम अब जो हो गया, हालांकि जब हमने टेलीविज़न शुरू किया तब इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था क्योंकि वो भी कम बनता था, ऐसा अखबार की तरह रोज़ नहीं बनता और छपता था, आप 20-20 दिन 25-25 दिन की शूटिंग नहीं करते थे, आप महीने में 7 दिन 8 दिन इस तरह से शूट करते थे जो कि अच्छा रहता था। आज अगर आप कोई बड़ा टीवी शो करते हैं तो आपको लगातार 20 से 25 दिन काम करना पड़ता है, विच इज़ वेरी टीडियस एंड विच इज़ वेरी नॉन क्रिएटिव, रादर इट इज़ मोर ऑफ अ फिजिकल जॉब और जस्ट अ जॉब रादर देन अ क्रिएटिव वर्क, एंड यू गेट वेरी बोर्ड विद अ रोल जस्ट आफ्टर 20 एपिसोड्स, एंड यू थिंक दैट यू आर सेइंग द सेम डायलॉग्स अगेन एंड अगेन 1000 times, वही लाइनें वही इमोशंस आपको बार बार करना पड़ता है, तो इसलिए उसमें सच्चाई भी नहीं आ पाती और संतुष्टि भी नहीं मिल पाती है। थिएटर की रही बात, तो चूँकि मैं अभी एक एकेडमी चला रहा हूँ तो खुद एक्ट कम करता हूँ बल्कि लोगों से या स्टूडेंट से एक्ट ज़्यादा करवाता हूँ, तो एज अ राइटर और एज अ टीचर मैं काम कर रहा हूँ, उसमें मुझे ये संतुष्टि मिलती है कि मैं
आने वाली जनरेशन को कुछ दे रहा हूँ, जो मैंने सीखा है वो मैं, इट्स लाइक पेइंग फॉरवर्ड व्हाट वी से, पासिंग इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, उस दृष्टि से काम कर रहा हूँ, तो वो भी सेटिस्फाइंग है। बाकी अच्छा सिनेमा करने की अभी भी इच्छा है, और ऐसे रोल्स जो सिनेमा में एक इतिहास बना लें या लंबे समय तक याद रखे जाएं, इस तरह के काम करने की अभी भी इच्छा है, और वो शायद एक अच्छी फिल्म में ही संभव है। आने वाले प्रोजेक्ट्स में एक वेब सीरीज़ है जो, जिसका नाम अभी नहीं लिखा है, लेकिन उसकी वो 13 एपिसोड्स की एक फाइनाइट सीरीज़ है। मिस्टर लाल विजय अभी नए नए डायरेक्टर बने हैं, वो डायरेक्ट कर रहे हैं। मैं उसमें एक बिजनेस टाइकून का रोल प्ले कर रहा हूँ, और जैसा कि बहुत सारी कहानियों में होता है, बेटी की शादी, बेटी का प्रेम, उससे जुड़ी हुई समस्याएं, पिता के अंदर का तनाव कि बेटी कुछ कुछ कर रही है, तो वैसा रोल है। एक फिल्म की है हमने अभी, दैदिप्य भानु एक डायरेक्टर हैं उनके साथ, कांचली के नाम से, ये विजय दानदेथा की एक बहुत अच्छी साहित्यिक कहानी है। कहानी हालांकि 1950s के परिवेश में लिखी है, फिल्म भी 1950s के परिवेश की है, राजस्थान के बैकग्राउंड पे है, और मैं उसमें एक ठाकुर की भूमिका अदा कर रहा हूँ, जिसकी ठाकुराई धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, लेकिन अभी भी वो बदलते वक्त के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। वो ये समझ रहा है कि अभी भी हम राजा हैं, और रजवाड़े में जैसे राजा लोग बिहेव करते थे वैसा कर रहा है, बट ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज पावर एंड ऑल हिज चार्म, तो इस थॉट पे वो है। और एक फिल्म बागपत का दूल्हा नाम की एक फिल्म बनने वाली है, जिसके डायरेक्टर करण कश्यप हैं, उसमें भी मैं अप्रैल में वो काम शुरू होने वाला है। कठोर फिल्म जो करण कश्यप के साथ हमने की थी पिछले साल, उसका अनुभव सच में बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा कई दृष्टि से रहा कि एक तो ये इतना स्मूथ काम हुआ, शायद 18 दिन में फिल्म पूरी बना ली थी करण ने, और फिल्म बनाने के पूरे वक्त ये पता भी नहीं चला कि कितने स्मूथली और कितने आराम से, शांतिप्रिय तरीके से, बिना बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट और डिस्टरबेंस के ये फिल्म बनी है, जबकि वो बहुत छोटे बजट की फिल्म है। तो एक बड़ा ही सुखद अनुभव रहा, और अभी मैंने जैसे सुना है शायद प्राइम वीडियो के लिए फिल्म दी गई है, एंड आई होप बहुत सारे लोगों को ये फिल्म देखने को मिलेगी। उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे यही मिला कि मैं एक आउटडोर शूट पे ही काम किया, तो वही जो एक अभिनेता की तैयारी होती है, अपने मन को सारी दुनिया से हटा के चरित्र के अंदर घुसने का जो एक प्रोसेस है, वो चूँकि हम बाहर थे तो अपनी कल्पना से मुझे उस कैरेक्टर की उस परिस्थिति में हर दिन मैं धीरे धीरे अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश कर रहा था। हर शाम जैसे ही हमारी शूटिंग ख़त्म हो जाती तो मैं, जो कि जो उस रोल की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उसकी नज़रों के सामने उसकी बेटी की हत्या हुई है, और जिस हत्यारे ने उसकी बेटी को मारा है उसकी नज़रों के सामने, वही जेल में एक कैदी के रूप में आता है, और इस प्रहरी को उस कैदी के लिए हर रोज़ खाना देना पड़ता है, और ये फिल्म का सबसे, स्टोरी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। और मैंने हर दिन इसमें मेंटली अपने आप को उस रोल में, रात के समय में अक्सर मैं ऐसे ही चलता रहता था रूम के बाहर, और यही सोचता रहता था कि अगर रियल लाइफ में मेरी बेटी के साथ ऐसा हो, या मेरे किसी नज़दीकी जन के साथ ऐसा हो, तो मैं क्या, कैसे, किस तरह से फील करता रहूँगा। क्योंकि इमीडिएट आक्रोश तो नहीं आता है, सबसे पहले एक शॉकिंग सिचुएशन से गुजरता है ऐसा व्यक्ति, तो वो शौक, वो गुस्सा और बेबसी, इसमें बहुत तरह तरह के इमोशंस की मिक्सचर ऑफ इमोशंस था। तो मैं हर दिन उसमें अपने आप को रात के समय में सोचते 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 उस परिस्थिति में लाने का प्रयास करता रहा, और इस तरह से काम करता रहा उस वक्त। उसमें चूँकि वो हैमलेट प्ले पर आधारित है, और मेरे ख्याल से डायरेक्टर विशाल ने शायद पहले ही सोच लिया था कि इस तरह के एक्टर्स को मुझे इस फिल्म में लेना है, तो वो कश्मीर के एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर, जो कि है तो एक बहुत अच्छा फादर, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा चालाक और नेगेटिव शेड वाला भी एक व्यक्ति है,
मैंने इसका रेफरेंस हैमलेट की पोलोनियस से ही लिया, चूँकि हम थिएटर से जुड़े हैं और पोलोनियस का कैरेक्टर दिमाग में बहुत बरसों से रहा है, तो पोलोनियस भी ऐसा ही है। और आज भी आप सोसाइटी में अगर ऐसे लोग देखेंगे, बहुत लोग हैं ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं, बहुत से उच्च अधिकारी ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ईमानदार हैं, लेकिन थोड़ी सी उनकी गलतियाँ, थोड़ा सा ऐसा करप्शन, थोड़ा सा ऐसा नेगेटिव शेड, जिसकी वजह से वो एक कॉम्प्लिकेटेड सा कैरेक्टर बन जाता है। ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं जो अपने परिवार के लिए तो बहुत अच्छे हैं, अपने बीवी बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं, अपने माँ बाप का अच्छे से ख्याल रखते हैं, घर गाड़ी रुपया पैसा जो भी सुविधाएं चाहिए वो दे देते हैं बिना परेशानी के और बिना ये बताए कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है। लेकिन कहीं वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, कहीं वो एक समझौता कर रहे हैं, कहीं वो करप्ट हो चुके हैं, थोड़े करप्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनके पूरे चिंतन में और उनके बिहेवियर पैटर्न में एक बदलाव आ गया है। और पावर का भी एक नशा है, पावर का भी एक उनके अंदर दिखता है कि वो पावर का कभी कभी गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को दिमाग में रखते हुए मैंने वो रोल किया था। और चूंकि मैं कश्मीर के आतंकवादी दौर को देखा हूँ, हालांकि मैं उस वक्त वहाँ नहीं था, मेरे फादर थे, लेकिन बहुत नज़दीक से हमने वो सारी सिचुएशंस देखी हैं, जानी हैं, और कैसे ये पुलिस ऑफिसर्स और पॉलिटिकल लोग जो थे, कैसे इन्होंने जो भी है करप्ट तरीके से बहुत सारा हथियार खरीदना, बेचना, झूठे टेररिस्ट बनाना, टेररिस्ट को छोड़ना, उस चक्कर में सौदेबाजी करना, ये सब किया है। चूँकि पैसा भी आ रहा था और अंदर ही अंदर एक तरह की साजिश चल रही थी, तो ये ऑफिसर वैसा ही था। तो बेसिकली ऊपर से अच्छा है लेकिन अंदर से चालाक है, ये बात समझ के मैंने प्ले किया था। उसमें एक ही बात कही जाएगी, जैसे दूसरे क्राफ्ट्स हैं या जैसे दूसरे जॉब्स हैं, दूसरे प्रोफेशंस हैं जिनमें बाकायदा अच्छा खासा समय देना पड़ता है। आप अगर म्यूज़िक सीखते हैं तो मिनिमम 5 से 7 साल लगते हैं, डांस सीखते हैं क्लासिकल डांस तो मिनिमम 5 से 7 साल लगते हैं, और अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, तो मिनिमम 4 साल 5 साल का तो काम सीखना पड़ता ही है। तो यहाँ भी वही है, दुर्भाग्य एक्टिंग फील्ड से यही रहा है कि अधिकतर लोग शुरू में ये समझते हैं कि हम बिना सीखे और बिना जाने इस फील्ड में कूद सकते हैं, यही इस फील्ड का सबसे बड़ा मिसफॉर्च्यून है। और उसकी एक वजह ये भी है कि बहुत लोग इसमें बिना कुछ ट्रेनिंग हासिल किए, जस्ट बिकॉज वो लक बाय चांस से उन्हें मौका मिला और उन्होंने कुछ काम किया और वो काम सफल भी हुआ, तो वो एक मिसाल बन गई और एक संदेश चला गया कि कोई भी आदमी कर सकता है। तो ये बड़ा ही लॉटरी जैसा मामला है, लेकिन लॉटरी सबकी लगती नहीं है। अब चूंकि ये इतना ज़्यादा फैल चुका है मार्केट में, अभी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ एक्टर्स की ज़रूरत है। अब वेब सीरीज़ भी आ गई हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हैं, टेलीविज़न है, एड फिल्म्स हैं, फीचर फिल्म्स हैं, तो अच्छे एक्टर्स की हर जगह ज़रूरत है। थोड़ा सा वक्त अगर कोई आदमी मिनिमम 3 से 4 साल अपने आप को ट्रेन करने में लगा दे, सिंसेयरली थिएटर करे या टेलीविज़न में ही कहीं असिस्ट करता हुआ चीज़ों को सीखे, कोई एक अलग डिपार्टमेंट को सीखे और वहाँ से एक्टिंग को ऑब्जर्व करते हुए करे, तो फिर वो प्रोफेशनल एक्टर बन सकता है। सिर्फ लक बाय चांस या सिर्फ एक क्या कहते हैं किस्मत पे भरोसा करते हुए अगर इस फील्ड में कोई आना चाहेगा, वो तरीका सही नहीं है। ये एक विद्या है और विद्या की तरह ही लेना चाहिए, और उसके आपको परिणाम भी लॉन्ग टर्म तक मिलते जाते हैं। ये मेरा अपना निजी अनुभव है और मेरा अपना मानना है। वैसे अगर नंबर वाइज देखें, मैं थिएटर से शुरू करूं तो नियरली 40 to 50 स्टेज प्लेज में मैंने काम किया होगा, 300 से ऊपर रेडियो प्लेज में काम किया होगा, और 75 to 80 टेलीविज़न शोज़, टेलीविज़न सीरियल्स, और नियरली 15 to 20 फिल्म्स में मैंने काम किया होगा। थैंक यू सो मच। फॉर बॉलीवुड न्यूज़ अपडेट प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल बॉलीवुड दंगल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।